हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं ये मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ इस ड्राइंग में। ये वाइट पेन है, हाइलाइट्स के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज़ करने वाला हूँ। ये शकुरा की पेंसिल है, 0.3 mm शकुरा की। और ये कुछ ब्रशेज़ हैं जो कि ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करूँगा मैं, फेस पे ब्लेंड करने के लिए। और ये डार्क इफेक्ट देने के लिए 8B यूज़ कर रहा हूँ मैं आर्ट लाइन की। और फेस पे शेडिंग करने के लिए मैं कोहिनूर ब्रांड के पेंसिल्स का यूज़ कर रहा हूँ। और हाइलाइट्स और बाल बनाने के लिए मैं क्रेटा कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और ये एक डार्क पेंसिल है 6B हेयर ड्रॉ करने के लिए। ये डस्ट साफ करने के लिए मैं बड़े ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। और ये क्लच इरेजर है हाइलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए। और ये कुछ नीडेड इरेजर है, बहुत ही हेल्पफुल होता है डार्क एरिया में, आपको लाइट जगह चीज़ को रब करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, शार्पनर है। सो ये मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ हर ड्राइंग में। और ये ज़्यादा महंगा नहीं है, बिल्कुल ईजिली आपको अवेलेबल होगा कहीं पर भी। सो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त उमंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फेस पे शेडिंग कैसे करते हैं और हेनरी कैविल की ड्राइंग को हम लोग बनाएंगे। सो गाइस, सबसे बड़ा चैलेंज होता है पोर्ट्रेट बनाने में, कोई भी पोर्ट्रेट आप बनाते हैं तो उसका बेसिक लेआउट और स्केच बनाना सबसे मुश्किल वाला टास्क होता है, सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है। उसके बाद शेडिंग करना होता है, शेडिंग बहुत आसान होता है, शेडिंग आप सीख सकते हैं। और शेडिंग करना बहुत ही मुश्किल नहीं होता, सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ स्केचिंग करना ही होता है। सो मैंने ग्रिड मेथड से ये स्केच बनाया है और आने वाली वीडियोस में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ग्रिड मेथड से यूज़ करके आप किसी भी ड्राइंग को बना सकते हैं, स्केच बना सकते हैं। सो गाइज, मैंने सबसे पहले इसके आईज़ को डिज़ाइन किया है। सबसे पहले मैंने 2B पेंसिल का यूज़ करके और शकुरा की टिप का यूज़ करके आईज़ और आईब्रोज़ मैंने डिज़ाइन किए हैं। पहले लाइट पेंसिल आप यूज़ करके डिज़ाइन करेंगे, अगर आप डार्क पेंसिल को यूज़ करते हैं डायरेक्ट तो आप फिर बाद में आपका ड्राइंग फिर ख़राब हो जाएगा और आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सो आप ध्यान दीजिएगा तो मैंने अपने पेंसिल को पीछे होल्ड किया है ताकि ज़्यादा हार्श इफेक्ट ना हो, बहुत ही सॉफ्ट इफेक्ट हो, इसलिए पेंसिल के साइड वाले पार्ट को मैंने यूज़ करके डिज़ाइनिंग किया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग अलग वीडियोस बना सकता हूँ आईज से रिलेटेड और नोज़ और माउथ से रिलेटेड, लिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं। और मैं बेसिक से एडवांस लेवल की स्केचिंग कोर्स को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। सो गाइस, अभी हमारा नोज़ और आईज़ तैयार हो गए हैं। सो आप अगर ध्यान से गौर देंगे तो कि मैंने आईज़ पे बीच वाले पार्ट को मैंने वाइट छोड़ा है और वहाँ पे मैंने वाइट पेन का यूज़ किया है। वाइट पेन का यूज़ हाइलाइट्स के लिए मैंने किया है। और गाइस, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जब ये पोर्ट्रेट बनाया और एंड में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ, आप अगर ध्यान देंगे कि मैंने इसके लिप्स को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, तो क्योंकि मैंने देखा था कि रेफरेंस में हल्का सा टेढ़ा है और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना चाह रहा था और इस वजह से इसका, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। सो गाइस, अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि यहाँ पे चेंजेस चाहिए या चेंजेस यहाँ पे होने हैं तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके लिप्स को अभी तो मैंने गलत बना दिया था, फिर मैंने एंड में इसे ठीक करने का सोचा, और पर इसको आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए था क्योंकि एंड में आप रब करते हैं तो बहुत ही हार्ड इफ़ेक्ट आ जाता है, वो बहुत ही ख़राब लगता है फिर देखने में, अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मैंने लिप्स के नीचे वाले एरिया में कुछ थोड़ा सा हार्ड मैंने शेडिंग कर दिया था, इस वजह से वो बिल्कुल स्मूथ नहीं लग रहा है। पेपर मैंने 240 GSM का यूज़ किया है इस ड्राइंग में और आप देख सकते हैं कि मैं होट जो है इसका लिप्स हल्का सा नीचे वाले पार्ट से बहुत छोटा लग रहा है। सो गाइस, इसको अपने अकॉर्डिंग आपको अपना ध्यान, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे चेंजेस करने ज़रूरी हैं और कहाँ पे चेंजेस नहीं करने ज़रूरी हैं।
सो आप बिल्कुल 100% रेफरेंस पे मत डिपेंड होया कीजिए कि जैसा रेफरेंस है आपको बिल्कुल डिट्टो बनाना है। आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको वहाँ पे आर्टिस्टिक स्किल्स या फिर अपना आर्टिस्टिक नॉलेज, एनाटॉमी की नॉलेज यूज़ करनी है और ख़ुद से आपको उस चीज़ को ठीक करना है। आप अपने रेफरेंस की जगह आप टैबलेट रख सकते हैं। टैबलेट पे आप ड्रॉ करके उसे डिटेल्स अगर आप देखना चाहें तो फ़ोन पे जूम करके डिटेल्स बहुत अच्छा बनेगा। तो गैस अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने अब इस लिप्स को मैंने करेक्ट करने की कोशिश किया, एंड में मुझे पता चला कि इसका बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है और ये ठीक नहीं हो सकता है, पर इसे किसी तरह मैंने रब करके ठीक किया, बट स्टिल ये बिल्कुल टेढ़ा लग रहा था। अगर मैं स्केचिंग के टाइम पे ही जब मैं लेआउट कर रहा था तो इसे मैं अगर वही उसी टाइम अगर मैं ठीक कर देता तो ये ख़राब नहीं होता है ये चीज़। सो इस गलतियों का आपको ध्यान रखना है, आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, आपको 100% रेफरेंस पे डिपेंड नहीं रहना है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में मैंने ये सीखा है इस ड्राइंग को बनाते हुए कि आपको सबसे पहले स्केचिंग को रेडी करना है, उसके बाद आप शेडिंग पे स्टार्ट कीजिए, और आपको अपना दिमाग भी लगाना है वाइल्ड स्केचिंग कि कहाँ पे चेंजेस ज़रूरी हैं और कहाँ पे चेंजेस ज़रूरी नहीं हैं। जब आप शेडिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में फेस पे जब ज़्यादा एरिया पे आप शेड करते हैं तो 2B का यूज़ क्या कीजिए, या फिर आप H या B ग्रेड का यूज़ कर सकते हैं शेडिंग के टाइम पे। और गाइज मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड बनाया है मैंने 8B से और बहुत ही स्मूथली ब्लेंड किया है। गाइस बैकग्राउंड बनाने का ये इम्पोर्टेंस होता है कि आपका जो ड्राइंग है वो बहुत उभर के आता है। अब मैं यहाँ पे कॉन्टे पेरिस की पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्रेटा कलर की, न्यूरो मीडियम 3, ब्लैक बनाने के लिए, हेयर्स बनाने के लिए। उसी ये डार्क इफेक्ट को मैं अचीव कर पाया हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आने वाले आप वीडियोज़ में क्या क्या टॉपिक आप चाहते हैं कि कवर हों, क्या क्या ड्राइंग्स के टॉपिक कवर हो, मैं उस पर वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।